सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम चल रहा है आपका जो है यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई चल रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है उससे संबंधित जो इतिहास है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और उस भूगोल पे भी ध्यान देंगे जो इससे संबंधित है या हो सकता है कि इससे संबंधित होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि उससे संबंधित होगा लेकिन मे बी, तो उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। अब हम आपको ले चलते हैं वर्ल्ड वार वन के तरफ। वर्ल्ड वार वन जो हमें ध्यान आता है ये सभी लोग जानते हैं कि इसमें 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और ये जो होता है आपका 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। अब इस बीच में कौन लोग युद्ध में थे इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। इसमें एक जो टीम बनी थी सेंट्रल पावर की बनी थी और दूसरी जो है टीम टू बनी थी। तो सेंट्रल पावर में आपका था तीन मुख्य देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया और टर्की। और दूसरा जो इसका टीम था इसमें जो होता है मुख्य रूप से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स थे। ये हमारा वर्ल्ड वार वन की बात है। और इसमें जीत जो हुई थी आपके फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, इटली और जापान और यूनाइटेड स्टेट्स की टीम की जीत हुई थी। उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वर्ल्ड वार टू उसकी बात अगर हम करते हैं तो ये आपका 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और ये 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ था। लगभग 6 साल 1 दिन लगा था इस युद्ध में। इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लें कि ये जो होता है कैसे स्टार्ट हुआ था। पहले हम टीम को देख लें कौन कौन सी टीम थी। टीम एक में था आपका एक्सिस पावर था और टीम टू में जो होता है आपके एलाइज थे। तो इसमें जो होता है जो फर्स्ट था उसमें जर्मनी, इटली और जापान था। ध्यान रखने की बात है कि जब पहला युद्ध हुआ था उसमें जापान और इटली जो है फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ था। दूसरे में जो होता है ये अलग हो गया और ये जो है जर्मनी के साथ मिल गया। तो जर्मनी, इटली और जापान हो गए। और टीम टू में जो है आपके एलाइज थे वो आपका फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और कुछ जो है चाइना के लोग थे। तो ये इसमें युद्ध हुआ और इसमें जीत किसकी हुई थी, एलाइज की जीत हुई थी। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और जो चाइना पार्ट था इनकी जीत हुई। दोनों ही कंडीशन में जो है यूनाइटेड स्टेट की जो टीम थी वो युद्ध जीती थी। चलिए अब एक चीज़ हम स्टार्टिंग की बात कर देते हैं कि युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ था वर्ल्ड वार टू। तो 1 सितंबर 1939 में जो होता है हिटलर इन्वेड्स पोलैंड फ्रॉम वेस्ट। पोलैंड पर हमला किया था हिटलर ने पहला, तो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उसी साल 3 सितंबर 1939 में फ्रांस और ब्रिटेन ने डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी, जर्मनी पे वार किया था फ्रांस और ब्रिटेन ने। और तीसरा 17 सितंबर 1939 में सोवियत ट्रूप्स इन्वेड्स पोलैंड फ्रॉम ईस्ट। तो टोटल देखा जाए तो जो युद्ध स्टार्ट किया था एलाइज नहीं अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने स्टार्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की टीम ने, और वो जीत भी हासिल किए थे। यानी कि पूरी तैयारी से जो है ये युद्ध आरंभ हुआ था और वो जो होता है उनकी जीत भी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1918 में ख़त्म हुआ था और 1918 के अराउंड ही जो है यूएसएसआर का आरंभ हुआ था। यूएसएसआर क्या है?
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और या इसको जो होता है सोवियत यूनियन कहते हैं। इसमें जो है चार ग्रुप्स थी, इसके बाद अगर हम आते हैं यूएसएसआर में जो है कैसे स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर, तो ये 30 दिसंबर 1922, 30 दिसंबर 1922 में बना था। बाल्टिक स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप टू द पैसिफिक ओशियन इंक्लूडिंग मेजर नॉर्दर्न एशिया एंड पोर्शन ऑफ सेंट्रल एशिया, ये सारे थे इसमें जो होता है इस यूएसएसआर ग्रुप में था। इट इंक्लूड्स रसिया एंड 14 कंट्रीज, एंड टोटल जो होता है 15 कंट्रीज थी इसमें यूएसएसआर में, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1922 में, 30 दिसंबर 1922 में, और इसमें चार ग्रुप था पहले, रसिया, एसएफएसआर, यूक्रेन एसएसआर, बेला रसिया एसएसआर, ट्रांस केवकेशियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक SFSR, ये 1922 से 1936 तक थे। इसके ये SSR क्या है, SFSR क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लें कि SSR क्या, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है, और SFSR क्या, सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक है। चलिए अब हम इसके बाद जो होता है फॉर्मेशन यूएसएसआर का कैसे हुआ इसको हम लोग समझ ले जो होता है। तो 1922 में जो है चार ग्रुप के लोग जुड़े थे, रसिया, यूक्रेन, बेला रसिया एंड ट्रांस केवकेशियन। उसके बाद 1925 में जो होता है उज्बेक एसएसआर जुड़ा एंड तुर्कमेन एसएसआर। उसके बाद 1929 में ताजिक एसएसआर जुड़ा, 1936 में कजक, किर्गिज, जॉर्जियन, अजरबैजान एंड अर्मेनियन एसएसआर जुड़े। उसके बाद 1940 में भी जुड़ा जो है लेटवियन, लिथुवानियन, एस्टोनियन एंड मालडावियन एसएसआर जुड़ा। तो ये बन गया जो था, इट बिकम्स रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन। चलिए ये तो फॉर्मेशन हो गया जो होता है यूएसएसआर का, जब निर्माण हुआ था, इस समय यूएसएसआर नहीं है, तो यूएसएसआर खत्म कैसे हुआ इस पर अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और चीज छूट रही थी कि ट्रांस केवकेशियन SFSR जो है जो 1922 में बना, उसमें जो है जब यह खत्म हो गया 1936 में, तो ये तीन ग्रुप बने, और अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया बना। यूएसएसआर के खत्म होने का जो प्रमुख कारण बताया जाता है कि जो तानाशाह स्टेलिन का शासन था, उसके बाद जो सक्सेसिव लीडर्स हुए वो कारण बने, और दूसरे जो है कि एक शीत युद्ध हो रहा था आपका यूएसएसआर और जो होता है यूएसए के बीच में, वह भी एक कारण बना। यूएसएसआर बाद में बन गया CIS इन 1991, 1991 में यूएसएसआर का जो है समाप्त हो गया और वो बन गया CIS, एक ग्रुप बन गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
थोड़ा सा कोल्ड वार पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो कोल्ड वार है, शीत युद्ध है, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था। ये लगभग 45 साल चला, 12 मार्च 1947 यानी दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ये आरंभ हुआ था, और ये लगभग 3 दिसंबर 1989 तक चला। तो यूएसएसआर की जो होता है लगभग जो होता है डिवीजन हो गया या समाप्त हो गया है इसके दौरान। क्यों हुआ? यूएसएसआर की अपनी सोच थी, कम्युनिस्ट सोच थी, और यूएसए की डेमोक्रेटिक सोच है जो होता है। तो इन दोनों सोच में टकराव होने लगा, दोनों अपनी जो होता है शक्तियों को बढ़ाने लगे, और तमाम जो होता है अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे और कंपटीशन करने लगे। इस कंपटीशन में जो होता है यूएसएसआर को काफ़ी हद तक आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके वजह से जो होता है यूएसएसआर ग्रुप जो है लगभग समाप्त हो गया है। 26 दिसंबर जो है 1991 में सीआईएस का निर्माण हुआ, और सीआईएस में जो होता है जैसा हमने कहा था कि 15 देश शामिल हुए इसमें ग्रुप में। इसमें है आर्मेनिया, एजरबाइजान, बेलारूस, बेलारूस 1922, उसके बाद आपका एस्टोनिया, एस्टोनिया इंडिपेंडेंट हुआ 1991 में, लेकिन वो सीआईएस में नहीं ज्वाइन किया, और ये यहाँ से निकल के 2004 में नाटो को ज्वाइन किया। इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो होता है यूएसएसआर से सीआईएस में आए, सीआईएस से वो नाटो में शामिल हो गया। नाटो की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद जॉर्जिया विड्रीव फ्रॉम द सीआईएस इन 2005। जॉर्जिया हट गया है सीआईएस से, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, 2005 में हट गया है। उसके बाद कजाखस्तान, किर्गिस्तान, लटविया, लटविया जो है कि इंडिपेंडेंट हुआ इन सितंबर 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ, एंड इज नॉट इन सीआईएस, वो सीआईएस में नहीं है इस समय। उसका भी क्या हुआ, 2004 में, इन 2004 में ज्वाइन नाटो, नाटो को ज्वाइन किया। तो इस ग्रुप का ये दूसरा था जो कि नाटो को ज्वाइन किया 2004 में। उसके बाद आपके लिथुआनिया है, ये इंडिपेंडेंट हुआ इन सितंबर 1991 में, एंड इज नॉट इन सीआईएस, ये भी सीआईएस में नहीं जो है इस समय, और ये 2004 में जो है नाटो में ज्वाइन किया। मतलब एक नाटो ग्रुप जो है आपका उससे जो है ये जुड़ रहा है सब जो होता है। तीन ऐसे देश हैं जो जुड़ गए। उसके बाद अगला जो होता है मालडोवा, इसको मालडोविया भी कहते हैं इस समय जो होता है। और उसके बाद है रसिया है, उसके बाद तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है एसोसिएट मेंबर है सीआईएस का अभी भी। यूक्रेन, यूक्रेन की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस समय। यूक्रेन भी जो होता है पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ सीआईएस, सीआईएस का वो मेंबर है। उज्बेकिस्तान, तो टोटल हम देखें तो 15 15 ग्रुप में जो है बटा सीआईएस के हिसाब से, और उसमें से जो है जो 3 थे वो नाटो में चले गए, यानी कि बच गए 12। तो ये है हमारा जो है सीआईएस का। अब हम लोग चलेंगे नाटो पर। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है नाटो। नाटो कब बना? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 में ये इसका निर्माण हुआ है। इसको कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन बाई नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। तो ये एक ग्रुप का निर्माण हुआ। नाटो है क्या, किस लिए बनाया गया है? नाटो कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव
सिक्योरिटी वेयर इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर्स स्टेट्स एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रेस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल पार्टी। ये ऐसे समूह का निर्माण किया गया जो कि कभी भी बाहरी ताकत यदि अटैक करता है तो उसकी वो सुरक्षा करेंगे और जो होता है आपस में मिलजुल कर जो भी अपना व्यापार करेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। ये है इनका जो है ग्रुप है। इनका हेडक्वार्टर जो होता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड जो है कमांड ऑपरेशन नियर बेल्जियम है। इसमें कितने हैं आपके 30 है, 28 यूरोपियन कंट्रीज है और दो जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। ये है इसका जो है टोटल 30 होता है। जो हम लोग पहले देखे उसमें थे 15 और यहां है इनके पास है 30 है। चलिए इसमें से हमने देखा कि तीन जो है उसमें से नाटो में आए हुए हैं, यूएसएसआर से तीन जो है नाटो में आए हुए हैं। ये ग्रुप जो है नाटो, इसमें जो है जो स्टार्ट हुआ था 1949 में, उसमें जो होता है टोटल जो है 12 देश थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। ये 12 देशों को जो होता है अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो पहले नंबर पे कनाडा आता है, उसके ठीक नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उसके बाद बीच में है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के आसपास थे जो इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, जो उसके आसपास थे उनको मिला के आगे इन्होंने विस्तार किया। पहले मैं इन 15 को दिखा देता हूँ पोजिशन की, विश्व में वो किस पोजिशन पे हैं। तो तीसरे नंबर पे आपका आइसलैंड है, चौथे नंबर पे जब हम ये बीच में है आइसलैंड, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ठीक बीच में है जो होता है। उसके बाद अब आप दाहिने तरफ आते हैं या नक्शे में देखें तो वेस्ट के तरफ है ये कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स है, और ईस्ट के तरफ या आपने हम देखें राइट की तरफ अगर देखें नक्शे में तो आपका सबसे ऊपर आता है नॉर्वे चौथे नंबर पे, पांचवे में डेनमार्क हो गया। उसके बाद उसके नीचे जो है आप अगर देखें तो एक लाइन से है आपका यूके, उसके बाद है आपका नीदरलैंड, और उसके बाद जो होता है बेल्जियम है, और नौवा हो गया ये यूके की जस्ट नीचे है बेल्जियम, और बेल्जियम के बगल में जो होता है आपका लक्समबर्ग है, इसी के आसपास है नक्शे में। उसके बाद 10वें नंबर पे है आपका है फ्रांस, और 11वें नंबर पे है इटली, 12वें नंबर पे है पुर्तगाल। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इसी के बीच में जर्मनी भी है स्पेन भी है, वो इसमें शामिल नहीं है। चले ये तो हो गया जो टॉप 12 कंट्रीज है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। अब हम थोड़ा सा और जो होता है 12 के बाद जो कंट्रीज जुड़ी थी उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। 1952 में दो देश जुड़े, टर्की और ग्रीस जुड़े। नक्शे में अगर हम देखें तो ये टर्की और ग्रीस कहाँ हैं, तो टर्की आपका जो है यूक्रेन के जस्ट नीचे जो है ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जस्ट नीचे जब जाते हैं तो टर्की है। तो ये 13वां हो गया टर्की, और एक है इसमें ग्रीस है जो 1952 में जुड़ा है। ग्रीस कहाँ है, ग्रीस आपका जो है बुल्गेरिया के जस्ट नीचे है ग्रीस 1952 में। उसके बाद आते हैं 1955 में, 55 में जो है जर्मनी जुड़ा है, पंद्रहवां नंबर।
ये शुरू के ग्रुप में जो है, जो 12 थे उसमें जर्मनी नहीं जुड़ा था, जर्मनी जुड़ा आपको 1955 में, जर्मनी जुड़ा था। उसके बाद जो है 1982 में स्पेन जुड़ा। स्पेन भी जुड़ गया, तो 16वें नंबर पे स्पेन जुड़ा है। स्पेन कहाँ है? ये पुर्तगाल के नीचे है आपका, स्पेन है। तो 16 हो गया। 16 के बाद में 1999 में जो है तीन और जुड़े हैं आपके, पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक। पोलैंड आपका है, ये भी यूक्रेन के नज़दीक है पोलैंड। उसके बाद हंगरी, हंगरी को अगर हम देखते हैं मैप में, हंगरी भी यूक्रेन के ही नज़दीक है। उसके बाद आएगा चेक रिपब्लिक की बात हो रही है, चेक रिपब्लिक। जरा इसका पोजीशन देख लें, तो आपका पोलैंड यूक्रेन से ऊपर है जो होता है, बाएं तरफ है पोलैंड आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, जो हंगरी है, हंगरी आपका स्लोवाकिया के नीचे है हंगरी, और हंगरी से और आगे जाएंगे तो आपका चेक रिपब्लिक है। चलिए उसके बाद आते हैं 2004 में। 2004 में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, जो यूएसएसआर से सीआईएस जो बना था, उसमें से जो है जो तीन देश थे वो इसमें शामिल हुए थे। लिथुआनिया है, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, बुल्गेरिया, एस्टोनिया, लेटविया। तो टोटल जो होता है सात, तो सात देश शामिल हुए थे 2004 में। तो ये बताने का ही है कि जो तो किस क्रम में जो होता है ये अपना विस्तारीकरण कर रहे हैं जो है नाटो, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम जो होता है मैप में लिथुआनिया को अगर हम देखते हैं, लिथुआनिया 20 नंबर हम कह रहे हैं, 20 नंबर पे है लिथुआनिया। ये आपका बेलारूस, यानी यूक्रेन से ऊपर जो बेलारूस है, बेलारूस के से थोड़ा ऊपर है बाएं तरफ लिथुआनिया है 20 नंबर। उसके बाद आपका आता है रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया यूक्रेन से नीचे है बाएं तरफ, यदि हम नीचे जाएं यूक्रेन के तो रोमानिया है। उसके बाद है स्लोवेनिया, बाद स्लोवेनिया पे आते हैं। स्लोवेनिया कहाँ है अगर हम देखें नक्शे में, तो आपको क्रोएशिया से नीचे है ये। क्रोएशिया के नजदीक है, तो स्लोवेनिया हो गया। उसके बाद है स्लोवाकिया, तेईस नंबर।
स्लोवाकिया किधर है? वो भी है यूक्रेन के बाएं तरफ, पोलैंड के नीचे है स्लोवाकिया। उसके बाद आ गया बुल्गेरिया, बुल्गेरिया, बुल्गेरिया कहाँ है आपका? ये जो है आपका यूक्रेन से आगे नीचे जो आता है रोमानिया, और उससे नीचे जो है बुल्गेरिया है। तो ये बुल्गेरिया भी नाटो में शामिल हो गया है। उसके बाद आ गया एस्टोनिया, एस्टोनिया और लेटविया। तो यूक्रेन से जो ऊपर है बेलारूस है। बेलारूस से जब आप रसिया की तरफ मूव करेंगे और ऊपर इसके, तो लेटविया है, और उसके बाद जो है उससे ऊपर जाएंगे तो एस्टोनिया है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, बेलारूस से जब ऊपर जाते तो ये है। तो ये हो गया, इन ये जो है 7 जो है देश शामिल हुए थे 2004 में, जिसमें से 3 जो है यूएसएसआर के भी हैं। उसके बाद 2017 में मॉन्टीनेग्रो जुड़ा। मॉन्टीनेग्रो कहाँ है उस पर अगर हम देखें नक्शे में, मॉन्टीनेग्रो जो है आपका ये ग्रीस से थोड़ा आगे जाएंगे तो मॉन्टीनेग्रो आएगा। उसके बाद जो है नॉर्थ मैसिडोनिया, ये 2020 में जुड़ा। नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये आपका 30 नंबर है। मैसिडोनिया ये आपके नक्शे में देखें तो यूक्रेन के आगे है रोमानिया, नीचे रोमानिया, उसके नीचे बुल्गेरिया, बुल्गेरिया के बाद है नीचे मैसिडोनिया, और उसमें है आपका नॉर्थ मैसिडोनिया। अच्छा एक और छूट रहा है, 2009 में, 2009 में दो देश जुड़े थे 27 और 28, अल्बेनिया और क्रोएशिया। अल्बेनिया ग्रीस के बाएं तरफ है अल्बेनिया, और क्रोएशिया जुड़ा था। क्रोएशिया कहाँ है आपका? हंगरी के नीचे है क्रोएशिया। हंगरी जुड़ा हुआ है यूक्रेन के नज़दीक है हंगरी, और हंगरी के नीचे जुड़ा हुआ है क्रोएशिया। तो ये पूरा जो होता है नाटो का जो है विस्तारीकरण के तहत ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे देश जो है यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं उनको जो होता है नाटो में लगभग शामिल हो चुके हैं। तो आज हम लोग जो होता है हिस्ट्री और जियोग्राफी देखे, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो होता है क्या क्या प्रमुख लड़ाइयाँ थी, वर्ल्ड वार 1 एंड 2, फिर आपका जो है यूएसएसआर कैसे बना और सीआईएस कैसे बना, और सीआईएस से भी जो होता है अब ब्रेक डाउन होता जा रहा है, इसके कुछ देश नाटो में शामिल होते जा रहे हैं, और नाटो कैसे बना और कैसे अपना विस्तारीकरण कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा किए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।